हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिशरा। आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है भाई हमारे चैनल पर एक बार फिर से। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पता नहीं यार किसके इंतजार में अभी पता भी नहीं नजर लग गए, मुझे समझ नहीं आती यार चैनल, इस चैनल के तो व्यू वाकई डाउन हो चुके हैं। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। आज की वीडियो लेकर आ गए हैं, आज हम देखने वाले हैं कि अनटोल्ड स्टोरी ऑफ रावण्स वाइफ मंदोदरी। आपको पता है कि भाई मंदोदरी जो है कितनी ज्यादा, मतलब उनका करैक्टर एक अच्छा ही था एज अ वाइफ के रूप में, लेकिन यहाँ पे हमें क्या पता चलता है वो देखते हैं इस वीडियो में। प्लीज वीडियो का अंत तक देखिए, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, देखते हैं आज की वीडियो। अयोध्या श्री राम की नगरी, जहाँ से शुरुआत हुई रामायण की, मंदिर एक ऐसी कथा जो भारतवर्ष के इतिहास की पहचान है। क्या आप जानते हैं कि श्री राम की एक बहन भी थी और कुंभकर्ण 6 महीने तक क्यों सोता था, या ये कि रावण की पत्नी मंदोदरी जन्म से जानती थी। अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक, रामेश्वरम से लेकर लंका तक, हर जगह रामायण की कहानियां हैं जिन्हें ये दुनिया सदियों से सुनती आई है, जिसमें अनेकों किरदार बसे। रामायण में छुपे हैं कुछ अनकहे किरदार और उनसे जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां। ऋषि विसर्व और राक्षसी कैकेसी की सबसे छोटी बेटी और रावण की बहन मीनाक्षी, इसे आगे चलकर शूर्पणखा के नाम से जाना गया। शूर्पणखा यानी लंबे नोकीले नाखूनों वाली। हम अक्सर सुनते हैं कि शूर्पणखा श्री राम और लक्ष्मण जी को देखकर उनकी ओर आकर्षित हो गई, लेकिन रामायण के कुछ वर्जन के अनुसार इस आकर्षण की आड़ में छुपी थी बदले की आग, जो शूर्पणखा रावण से ले रही थी। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात थी, शूर्पणखा अपने भाई के खिलाफ चली गई। जब शूर्पणखा जवान हुई तो दानव दुष्ट बुद्धि के प्यार में पड़ गई। दुष्ट बुद्धि काल के दानवों का राजा था, उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। ये बात जब रावण को पता चली तो वो गुस्से से आग बबूला हो उठा, क्योंकि दानवों और असुरों के बीच सदियों से दुश्मनी चली आ रही थी। रावण हैरान था कि आखिर दानवों का राजा होने के बाद भी दुष्ट बुद्धि शूर्पणखा से शादी कैसे कर सकता है, जो शूर्पणखा की आड़ में रावण की मृत्यु का षड्यंत्र रच रहा था। रावण ने दुष्ट बुद्धि के राज्य पर हमला बोल दिया और उसकी हत्या कर दी। अपने पति के मृत्यु होने पर शूर्पणखा बहुत दुखी हुई और इसी कारण उसके मन में अपने भाई के खिलाफ नफरत बढ़ने लगी। यही कारण था कि उसने रावण के मन में सीता जी को पाने की इच्छा की, और रावण की मृत्यु और उसके परिवार के विनाश के साथ शूर्पणखा ने अपने पति की हत्या का बदला लिया। रामायण में शूर्पणखा की कहानी सीता माता के अपहरण से पहले ही खत्म हो जाती है, लेकिन श्री राम और रावण को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा करने में शूर्पणखा का बहुत बड़ा हाथ था। ना ही वो रावण के सामने जाकर सीता जी की खूबसूरती का गुणगान करती, ना ही सीता जी का अपहरण होता, और ना ही लंका का ये भीषण युद्ध। सही बात है। कुंभकर्ण रामायण का एक ऐसा राक्षस जो 6 महीने लगातार सोता था और फिर उठने के बाद 6 महीने लगातार खाता था, रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीने तक सोता क्यों रहता था? इसका कारण था एक श्राप। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के अनुसार जन्म होते ही कुंभकर्ण ने इस संसार में तबाही मचानी शुरू कर दी। वो हर रोज 1000 से भी ज्यादा जीव जंतुओं को खा जाता। जब देवराज इंद्र को इस बारे में पता चला तो वो कुंभकर्ण को सबक सिखाने पहुंचे, लेकिन कुंभकर्ण इतना विशाल था कि उसने इंद्रदेव के वाहन ऐरावत का ही दांत तोड़कर इंद्र पर वार कर दिया। इस बात की शिकायत लेकर देवराज इंद्र सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी समझ गए कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये संसार जल्द ही खत्म हो जाएगा। वो कुंभकर्ण के पास पहुंचे और उसे श्राप दिया, आज से तुम एक मृत इंसान की तरह सोते रहोगे। जब रावण को इस बारे में पता चला तो वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। उसने ब्रह्मा जी से कुंभकर्ण के श्राप को कम करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी मान गए और इस श्राप को 6 महीने के लिए सीमित कर दिया। अब 6 महीने सोने के बाद कुंभकर्ण 1 दिन के लिए उठता था और तब तक खाता था जब तक उसकी भूख बड़ा ही खांदा से, और फिर 6 महीने के लिए गहरी निद्रा में सो जाता। कुंभकर्ण बहुत सारी शक्तियों के साथ जन्मा था, लेकिन अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने के कारण इन शक्तियों के होते हुए भी वो केवल एक ऐसा राक्षस बनकर रह गया, जिसका उदाहरण आज एक आलसी इंसान के रूप में दिया जाता है। तब तक एक राज की बात बताओ। हम हमारे चैनल पे बहुत इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियोस बनाते रहते हैं, जिसमें बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारा मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक्स। रावण की पत्नी और लंका की महारानी मंदोदरी, जिनका जन्म एक मेंढकी के रूप में है। रामायण के उत्तर कांड के अनुसार मंदोदरी असुरों के राजा मायासुर और देवलोक की अप्सरा
हेमा की बेटी थी। लेकिन उड़िया धर्म पुराण के अनुसार मंदोदरी जन्म से कोई कन्या नहीं बल्कि एक मेंढक। मंदार और उदर नाम के दो ऋषि जो दूध पीने वाले थे उसको एक सांप ने जहरीला बना दिया। ऋषि मुनियों को मृत्यु से बचाने के लिए एक मेंढकी ने उनके दूध में छलांग लगा दी। उन दोनों ने बिना इस बात को समझे उस मेंढकी को श्राप दे दिया और वो एक सुंदर कन्या में बदल गई, जिसे वेंगवती का नाम दिया गया। वेंगवती की खूबसूरती के चर्चे चारों ओर फैल गए और उसे पाने के लिए किष्किंधा के राजा वाली और लंकापति रावण में युद्ध हुआ। दोनों ने वेंगवती को अपने पूरे बल के साथ अपनी ओर खींचना शुरू किया। रावण और बाली दोनों महाशक्तिशाली थे, तो अब आप ही सोचिए कि उनका बल कितना ज्यादा होगा। और इस खींचतान में वेंगवती का कोमल शरीर बीच से चीर गया और उसके शरीर के दो टुकड़े हो गए। यमराज और वायुदेव ने मिलकर उनके शरीर को फिर से जोड़ा और फिर ऋषि मंदार और उदर के नाम को मिलाकर उनका नाम पड़ा। हमारे पुराणों में मंदोदरी को पांच कन्या में से एक माना जाता है। पांच कन्या द्रौपदी, कुंती, अहल्या, मंदोदरी और तारा, ऐसी पांच महिलाएं जिन्हें हमारे पुराणों में काफी सम्मान दिया गया है। भले ही मंदोदरी एक राक्षस की पत्नी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छाई का साथ कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने हर पल रावण को समझाया कि अपनी जिद छोड़कर माता सीता को मुक्त कर दे। वो जानती थी कि भले ही रावण कितना ही शक्तिशाली हो, श्री राम से नहीं जीत पाएगा, लेकिन रावण अपनी बात पर अड़ा रहा और उसकी यही जिद उसकी मृत्यु का कारण बनी। पूरा संसार श्री राम को राजा दशरथ के बड़े बेटे के रूप में जानता है, लेकिन श्री राम से भी पहले राजा दशरथ की एक बेटी थी जिनका नाम रामायण में लिया तो गया है, लेकिन उनके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। राजा दशरथ और माता कौशल्या की पहली पुत्री और श्री राम की बड़ी बहन शांता, लेकिन उनका नाम रामायण में इतना महत्वपूर्ण होने के बाद भी गुम क्यों हो गया? वाल्मीकि रामायण के बालकांड के अनुसार एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी अयोध्या पहुंचे। रोमपद राजा दशरथ के बहुत अच्छे दोस्त थे और वर्षिणी माता कौशल्या की बड़ी बहन थी। मजाक मजाक में वर्षिणी ने राजा दशरथ से उनकी पुत्री को मांग लिया। तब उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ उनका ये दुख समझते थे और इसीलिए उन्होंने ये बात स्वीकार कर शांता को गोद देने का वचन दे दिया। अब क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो राजा दशरथ ने अपनी प्राण से प्यारी बेटी शांता को राजा रोमपद को सौंप दिया। राजा रोमपद शांता से बहुत प्यार करते थे। एक बार शांता से बात करने में वो इतना खो गए कि उन्होंने द्वार पर आए एक ब्राह्मण को नजरअंदाज कर दिया। वो ब्राह्मण इंद्रदेव के भक्त थे। उनके इस अपमान से इंद्रदेव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने रोमपद को सजा देने का फैसला किया। कुछ समय बाद अंग देश में भयंकर अकाल पड़ा। अकाल से उबरने के लिए और इंद्रदेव को मनाने के लिए राजा रोमपद ने ऋषि श्रृंगी को यज्ञ के लिए बुलाया। यज्ञ के बाद अंग देश में अकाल समाप्त हुआ। सबने इस बात के लिए ऋषि श्रृंगी का आभार माना और उन्हें सम्मानित करने के लिए शांता का विवाह उनके साथ करा दिया। आगे चलकर इन्हीं ऋषि द्वारा किए गए यज्ञ से श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जन्म हुआ था। देवी शांता का जन्म हुआ तो रघुकुल में था, लेकिन राजा रोमपद के गोद लेने के बाद उनका ये महत्वपूर्ण स्थान रामायण के बाल कांड तक ही सीमित रह गया। लक्ष्मण जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन श्री राम की सेवा में बिता दिया, लेकिन श्री राम के दिए गए एक वचन के कारण उन्हें इस धरती को त्याग कर जल समाधि लेनी पड़ी। पद्म पुराण के अनुसार कई सालों तक अयोध्या पर राज करने के बाद एक दिन श्री राम के दरबार में एक साधु आए। उन्होंने श्री राम से कुछ देर बात की और फिर वो दोनों अकेले में बात करने के लिए कमरे में चले गए। श्री राम ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि कोई भी नहीं आएगा, अंदर ना आने दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड दिया जाएगा। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात थी जो कोई नहीं सुन सकता था? दरअसल ये साधु कोई मामूली ऋषि नहीं थे, बल्कि स्वयं यमराज थे, जो श्री राम को ये याद दिलाने आए थे कि अब इस धरती पर उनका कार्य पूरा हो गया है और अब उनके वैकुंठ लौटने का समय आ गया है। लेकिन यमराज ने श्री राम से ये वचन लिया था कि उनके बीच हो रही बात को कोई और ना सुने। इसी दौरान ऋषि दुर्वासा वहां पधारे। दुर्वासा ऋषि के भयंकर क्रोध के कारण बड़े बड़े देवता भी उनसे डरते थे, लेकिन श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण जी ने उन्हें भी दरवाजे पर ही रोक लिया। ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने चेतावनी दी कि इस अपमान के बदले वो श्री राम को श्राप दे सकते हैं। लक्ष्मण जी, जो अपने भाई से अनंत प्रेम करते थे, ये बात सुनकर घबरा गए। श्री राम को श्राप से बचाने के लिए उन्होंने खुद का त्याग करना सही समझा और कमरे के अंदर चले गए। लक्ष्मण जी को यूं अचानक देखकर श्री राम सारी बात समझ गए
लेकिन उनका वचन टूट गया। यमराज ने श्री राम से कहा कि लक्ष्मण जी को देश निकाला दिया जाए, क्योंकि श्री राम से दूर रहना उनके लिए किसी मृत्यु दंड से कम नहीं था। लक्ष्मण जी, जिनके जीवन का महत्व ही श्री राम से था, ये बात सह नहीं पाए और उन्होंने सरयू नदी में जाकर जल समाधि ग्रहण की और अपने शरीर का त्याग कर और वैकुंठ में अपने शेष नाग रूप में प्रभु के लौटने का इंतजार करने लगे। श्री राम के प्रति लक्ष्मण जी का ये प्रेम और समर्पण ही उन्हें राम जी के साथ एक करता है। तो ये थे कुछ ऐसे किरदार जिनकी कहानियां और ओरिजिन रामायण में ज्यादा डिटेल्स में नहीं। अगर आप ऐसे किसी किरदार के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही अनसुनी, अनदेखी, अनकही कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो। जी तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। तो यार देखा ही आपने, इस वीडियो में कमल चौधरी जो उनकी वाइफ थी ना, वो एक मेंढक की थी शुरू से ही, लेकिन मुझे इस चीज का बिल्कुल आइडिया नहीं था। ये फर्स्ट टाइम मैंने इसमें देखा, क्योंकि मैंने सारी पूरी की पूरी रामायण जो है ना वो मैंने देखी हुई है, लेकिन इस बात का वहां पर कुछ भी जिक्र नहीं था किया गया कि उनको एक श्राप शायद दिया गया, फिर वो एक खूबसूरत लड़की बन गई, लेकिन उनको लड़ने, उनको हासिल करने के लिए जो है ना रावण और बलि जो था ना, आपको पता है कि बल भी कितना ज्यादा ताकतवर था, रावण भी, और दोनों ने उसको लड़की को आधे आधे हिस्से में कर दिया, लेकिन फिर बाद में फिर से उनको जोड़ा गया और बाद में फिर रावण का आपको पता है उनके साथ विवाह हो गया था। तो लेकिन यार और भी यहाँ पे इतने ज्यादा राज की बातें बताई गई हैं, जिसमें जो है ना आपको पता है कि जो एंड वाले दिनों में क्या था कि जब सीता जी के जाने के बाद जब राम जी को भी समय हो गया था, तो उनकी भी मतलब लाइफ से जाने का टाइम था, तो यमराज जी उनसे मिलने के लिए उनसे वचन लिया था कि कोई भी हमारे गुफ्तगू के दरमियान इस कमरे में ना आएगा। तो उन्होंने कहा अगर कोई आया तो उसको आप मृत्यु दंड देंगे, मतलब आप उसको मौत के घाट उतार देंगे, लेकिन जो है ना जो राम जी उनके लिए ये करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि वो लक्ष्मण अपने भाई से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। तो उन्होंने बोला कि कोई और रास्ता नहीं है, तो वो एक रास्ता फिर उन्होंने यही निकाला कि उनको ना मतलब वो जहाँ पे रहते थे ना वहां से निकाल के ना कहीं दूसरी जगह भेज दिया जाए कि वो उनके साथ रहेंगे नहीं, लेकिन वो उनके लिए ये बर्दाश्त करना ही मुश्किल था, तो उन्होंने फिर आत्महत्या कर ली थी और बाद में उसके बाद आपको पता ही है जो भी रामायण में हुआ था। लेकिन वाकई में सच्ची में मंदोदरी जो इनकी वाइफ थी ना, वो मुझे अच्छी लगती थी कि उन्होंने ना हमेशा से जो रावण था ना उसको इतना ज्यादा मिस समझाने की कोशिश की, अपने बेटों को भी समझाने की कोशिश करती थी, उसको पता था कि वो जो गलत काम कर रहे हैं तो उससे रोकती थी, लेकिन वो जो है ना वो उसकी कोई भी बात मानता ही नहीं था। वो कहता था कि मैं जो मतलब मेरी मर्जी है ना मैंने वही करना है, कुछ भी उसकी बात नहीं था मानता। तो फिर बाद में अंजाम जो हुआ वो सबको पता ही है कि रावण का अंत फिर हो गया था, और मंदोदरी को आपको पता उसको समझाने में बहुत बड़ा रोल था, और वो किसी भी मतलब अधर्म में उनके साथ नहीं थी खड़ी हुई। तो यही थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलता है कौन दिन थे।